खबर सिरसा से है जहाँ गुरुवार को ग्रामीणों ने बिजली व पेयजल की किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जमाल गांव के ढाणी ज्ञानदीप के ग्रामीण पिछले एक माह से पेयजल व बिजली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, परंतु उनकी मांगों की ओर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। ऐसे ग्रामीणों ने SDM राजेंद्र सिंह को राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान लू लग जाने से निहाल सिंह खीचड़ नामक ग्रामीण की मौत भी हो चुकी है। रेड में ना क्या नाम रमेश कुमार है जी। मेरा गांव जमाल है डाणी ज्ञानदीप। ठीक है जी, आज हम DC साहब से मांग कर रहे हैं, डेड में ना हो गए। हमें वहाँ धरने पे बैठे हुए 45-50 डिग्री तापमान में एक हमारा किसान भाई निहाल सिंह शहीद हो गया। लू लगने की वजह से पीड़िया हो गया। 6-7 दिन सिरसा दाखिल रहा, फिर जयपुर ले गए। 3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तो क्या पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है जी। कितना टाइम हो गया? और ये टाइम तो काफ़ी साल हो गए जी। ठीक है, लास्ट 20 साल से ही समस्या है। तो पहले कभी आपने इस बारे में कोई पहले किया? इतना बड़ा कदम नहीं उठा। ठीक है, लास्ट जब एन हार गए चारों तरफ जाके नेताओं को और जाके, अब की बार हमने वोट का भी बहिष्कार किया। 650 वोट है हमारे वहाँ, हमने एक वोट भी पोल नहीं किया और ना हम आगे पोल करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे जी। 650 वोट है, हमारा एक किसान शहीद हो गया, बाकी अगली शहीदी के लिए मैं तैयार हूँ। पहला जी आज हम DC साहब से मिलने के लिए आएंगे। हाँ जी मटके फोड़ के ये तो जगाना पड़ता है जी। बेंदी बेरी सरकार है। ठीक है, हमारा एक यहाँ डूडी हॉस्पिटल में दाखिल है, वो भी पीलिया और गस्त, जिसका नाम भूप सिंह खन्ना मूलाराम स्वामी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, आप देख रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1947 जैसे हालात अगर किसी को देखने हैं तो वो डाणी ज्ञानदीप में है। आज अगर सरकार की बात करें तो सरकार ये कहती है विकसित भारत की बात करती है, 2047 की बात करती है, लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर, जहाँ जमाल गांव का के अंदर बिजली घर है, जहाँ वाटर वर्क्स है, और उन लोगों को पीने के पानी नहीं है, वो लगातार 35 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और उन 1984 से वो डाणियाँ बची हुई है। उसमें लगभग सही सभी पार्टियों की सरकार आई, विपक्ष पहले सरकार थी। आज हमारे भाव तो ये जो राजनीति है ये सारी मर चुकी है। हम तो पीछे जो 1947 का जमाना था, हमारे बच्चे तो आज उसी लालटन के सारे जो आप देख रहे हो पुराने जमाने की, वही उसी से जी रहे हैं, और पीने का पानी हमारे बच्चों को नसीब में नहीं है। मेरा नाम जगदीश है जी, जगदीश रूपावा। ये चिमनी है जी, ये जब अंधेरा होता है तो हमारे बच्चों को चारना करने के लिए सिर्फ एकमात्र यही सहारा है। हाँ, मटके बोर्ड प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे मटकों में पानी तो है नहीं। हमारे एक रीति रिवाज है, भी बूढ़ा बडेरा जब चला जाता है तो उसके पीछे हम कोरा मटका देते हैं। भी इस बुजुर्ग को अगर रास्ते में जाते वक्त, यमराज के पास जाते वक्त प्यास लगेगी तो वो ठंडा पानी पी के अपनी शांत प्यास करेगा। लेकिन इन अधिकारियों के इस रवैये को लेकर के, सरकार के इस रवैये को लेकर के, जो फुटड़ा मारा गढ़िया पुराना मैं फोड़े सड़ो तत्व पानी पी के थे ही ऊपर जाऊंगा तो भुगत भोगी थे ही होगा।